Hello class, welcome back. Welcome back to your science class. So kids, we have started our first chapter, that is food and where does it come from? Matlab food aur kahan se food aata hai? Let me write the chapter name. Theek hai? So the chapter name is food and where does it come from? ठीक है, तो ये चैप्टर हमने शुरू किया कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. और जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें पता चला कि खाना खाना ही सो मतलब फूड फूड इज सो एसेंशियल फॉर अस एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज लाइक प्लांट और एनिमल. ऐसे दो सोर्सेज से क्या हो रहा है खाना हमारे पास मतलब तो खाना हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है. उसमें हमने देखा प्लांट एंड एनिमल. फिर अभी हमने क्या शुरू किया, प्लांट पार्ट्स एज फूड. ठीक है, प्लांट के पार्ट जो कि क्या है, फूड है, जिनको हम एज अ फूड हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं. उसमें कल हमने पढ़ा रूट. ठीक है, प्लांट पार्ट में कल हमने क्या पढ़ा, प्लांट पार्ट में कल हमने पढ़ा था अबाउट रूट्स. प्लांट रूट्स एज फूड, देन प्लांट स्टेम एज फूड, प्लांट फ्लावर एज फूड. ठीक है, एंड प्लांट लीव्स एज फूड. नाउ टुडे वी हैव टू डू प्लांट फ्रूट्स एज फूड. टुडे व्हाट वी हैव टू डू, टुडे वी हैव टू डू प्लांट्स फ्रूट्स एज फूड. ठीक है, प्लांट फ्रूट एज फूड. अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लांट के फ्रूट जिनको हम किसकी तरह खा रहे हैं, फूड की तरह खा रहे हैं. ठीक है, प्लांट के फ्रूट जिनको हम फूड की तरह खा रहे हैं. फ्रूट आपको अपने आप में पता है कि फ्रूट या मैं वेजिटेबल बोलूँ तो फ्रूट एंड वेजिटेबल आर व्हाट, दे आर द एडिबल्स. आपको पता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में क्या है, एडिबल्स हैं. ठीक है, ओके. सो देयर आर सम प्लांट विच स्टोर फूड इन देयर फूड. सम प्लांट व्हाट दे डू, दे स्टोर फ्रूट, सॉरी दे स्टोर फूड इन देयर फ्रूट. फाइन, सो वी ईट द प्लांट ऑफ सच, सो वी ईट द फ्रूट ऑफ सच प्लांट. नाउ एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, इनके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो लिस्ट बहुत लंबी है. एप्पल, ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज प्लम, मैंगो. ठीक है, और भी कोई फ्रूट्स के नेम बताओ, ग्रेप्स, गुआवा, बनाना, टोमेटो, ब्रिंजल. गुआवा, बनाना, टोमेटो, ब्रिंजल. गुआवा, बनाना, टोमेटो, एंड नेक्स्ट फैमिली ब्रिंजल. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ब्रिंजल. तो कौन कौन से फूड, कौन कौन से प्लांट के फ्रूट्स हम खाते हैं, वी ईट एप्पल, वी ईट ऑरेंजेस, वी ईट प्लम, मैंगो, ग्रेप्स, गुआवा, बनाना, टोमेटो एंड ब्रिंजल, व्हाट वी ईट. एंड देखो मेनी ऑफ अस लव टू ईट फ्रूट. ठीक है, मेनी ऑफ अस व्हाट वी डू, वी लव टू ईट फ्रूट्स. फाइन, अच्छा द वेजिटेबल सच एज, ओके नाउ देयर इज वन लाइन एंड यू हैव टू जॉट डाउन दिस लाइन, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. और आपको ये लाइन क्या करनी होगी, यू हैव टू राइट दिस लाइन.
द वेजिटेबल सच एज द वेजिटेबल सच एज टोमेटो ब्रिंजल लेडी फिंगर पंपकिन एंड चिली tomatoes, brinjal, tomato, brinjal, ladyfinger, tomato, brinjal, ladyfinger, ladyfinger, pumpkin and chili. Next is what? Next we are going to write. Pumpkin, pumpkin and chili. Which we eat as food are, which we eat as food. Which we eat, as food are actually the fruits of the respective plant. Are what? Are actually. These are actually the fruits of the respective plant. टॉपिक शुरू किया वो है प्लांट फ्रूट्स एज फूड. ठीक है, आज जो टॉपिक हमने शुरू किया वो था प्लांट फ्रूट्स एज फूड, प्लांट के फ्रूट जिनको हम एज अ फूड खाते हैं. तो देखो द वेजिटेबल, पहली बात तो हमने एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, गुआवा, बनाना, टोमेटो, ब्रिंजल की बात की. नाउ द वेजिटेबल सच एज टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, पंपकिन एंड चिली. देखो तो वेजिटेबल ये सारे क्या है, टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, पंपकिन, चिली, दीज ऑल आर द वेजिटेबल. ये सारे क्या है, दे आर द वेजिटेबल, दे आर द वेजिटेबल विच वी ईट एज फूड, आर एक्चुअली द फ्रूट ऑफ द रिस्पेक्टिव प्लांट. दे आर एक्चुअली द फ्रूट ऑफ वॉट, फ्रूट ऑफ द रिस्पेक्टिव प्लांट. Okay, clear? This much is clear for you all? Okay. So the vegetables such as tomatoes, brinjal, ladyfinger, pumpkin and chili which we eat as food are actually the fruits of the respective plant. ये हम सब्जियों के नामों में गिनते हैं. We count them as sabji, as vegetable, but they are actually what? They are actually the फ्रूट्स. ये उस पौधे के क्या है, फ्रूट्स हैं, है ना, दे आर द फ्रूट्स. ओके, राइट इट डाउन, देन वी विल मूव अहेड. जस्ट राइट इट डाउन. राइट इट डाउन, देन वी विल मूव अहेड. Completed. So can I erase the board? Okay, so I'm erasing only this much of part.
है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी फ्रूट देख लिया, नेक्स्ट इज व्हाट, सीड, प्लांट सीड्स एज फ्रूट, नेक्स्ट इज व्हाट, प्लांट सीड्स जिनको हम फूड के तौर पे खाते हैं, ठीक है। दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सीड। सीड मींस व्हाट, बीज। सीड अगर हम बोलते हैं तो सीड का क्या अर्थ है, सीड इज बीज, किसी भी पौधे की जो बीज होती है उसकी बात। तो कभी कभी हम व्हाट वी डू, वी ईट द बीज ऑल्सो, वी ईट बीज ऑफ द सीड ऑल्सो, सॉरी बीज ऑफ द और सीड ऑफ द प्लांट ऑल्सो। नाउ सी, सम ऑफ द प्लांट स्टोर फूड इन देयर सीड, व्हाट दे डू, सम प्लांट स्टोर देयर फूड इन द सीड, फाइन। सो वी ईट द सीड ऑफ सच प्लांट, वी ईट द सीड ऑफ सच प्लांट्स। अब एग्जाम्पल क्या है, फूड ग्रेन सच एज वीट, मेज, फूड ग्रेन सच एज वीट, मेज, राइस, बंगाल ग्राम, मिलेट, पीस, पल्सेस, मिलेट, पीस, पल्सेस, ठीक है। सो वीट, मेज, राइस, बंगाल ग्राम, मिलेट, पीस, पल्सेस। अब इन ये जो प्लांट होते हैं, वीट का मतलब गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, इनका हम क्या खाते हैं, वी ईट देयर सीड, व्हाट वी ईट देयर सीड, हम उनके क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, ठीक है। चलो भी, सो दिस इज व्हाट, अच्छा अब इसमें एक चीज और क्या है, दैट ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड सोयाबीन आर ऑल्सो सीड। यहाँ पे हम और क्या ऐड कर सकते हैं, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड सोयाबीन, ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड सोयाबीन। अब ये सारे क्या है, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द ऑयल सीड्स। देखो मस्टर्ड को तो हम ग्राउंड नट को तो हम एनी वे खाते हैं, ग्राउंड नट को तो हम ऐसे भी मूंगफली के दानों को रोस्ट करके या कहीं कहीं खाते हैं। Rest, these are what? They are oil seeds. ठीक है, we get oil, we extract oil from them. Fine? इतना समझ में आया सभी को? Write it down, jot it down. I'm going to erase the board now.
अब जो अगला टॉपिक हमारा है, ठीक है, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा प्लांट पार्ट्स एज फूड, हमने देखा उसमें हमने देखा रूट को, देखा स्टेम को, देखा सीड को, देखा फ्लावर को, देखा एंड लीव्स को, देखा पांच पार्ट, पांचों को। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट ड्रॉ करूं तो लेट अस सी व्हाट हैपन। ठीक है, अगर मैं ऐसा है, एक आपका पौधा ड्रॉ करूं, ठीक है, सो इफ दिस इज माई प्लांट, और चलो इसमें एक फ्लावर फ्रूट्स भी लगा देते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। अगर ये मेरा पौधा है तो अभी हमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसका हर एक पार्ट हम क्या करते हैं, वी कंज्यूम लीव्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो, देयर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ऑल्सो, देन वी ईट देयर रूट ऑल्सो, फ्रूट ऑल्सो, फ्लावर ऑल्सो। मतलब एक प्लांट के लगभग, मतलब प्लांट जो होते हैं उनके लगभग सारे पार्ट व्हाट वी डू वी ईट, है ना, ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है, मैम इज गोइंग टू इरेज द बोर्ड। नेक्स्ट थिंग, देखो आपको पता होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट होते हैं जिनके हम मोर देन वन पार्ट को क्या करते हैं, वी ईट देयर मोर देन वन पार्ट, ठीक है। वन सच एग्जांपल इज मस्टर्ड, मस्टर्ड सरसों का साग भी खाते हैं और सरसों के बीज का हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, दिस तो यू ऑल नो। सो ना सिमिलरली बनाना का भी व्हाट वी डू, बनाना में भी व्हाट वी डू, बनाना में भी वी ईट इट इट्स फ्रूट ऑल्सो एंड वी ईट इट्स फ्लावर ऑल्सो। सो सम प्लांट्स, नेक्स्ट इज सम प्लांट्स टू और मोर एडिबल पार्ट्स, ओके, सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स विच कैन बी ईटन एज फूड, वॉट हैपन, दे कैन बी ईटन एज फूड। So some plants have two or more edible parts and that can be eaten as food. For example, what can be example of such question? Banana, fenugreek,
एंटर ओके ठीक है नाउ बनाना अब बनाना का हम क्या खाते हैं वी ईट इट्स फ्रूट ऑल्सो एंड फ्लावर ऑल्सो बनाना में वी ईट इट्स फ्रूट ऑल्सो एंड फ्लावर मेथी है ना सो मेथी की हम क्या खाते हैं इसका भी वी ईट लीव्स एंड सीड लीव्स एंड सीड हम किसका खाते हैं फेनुग्रिक का भी नेक्स्ट इज मस्टर्ड अब देखो मस्टर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो मस्टर्ड का व्हाट वी ईट सीड ऑफ द मस्टर्ड एंड लीव्स ऑल्सो food. For example, banana में fruit and flower. Banana का what we do? Banana में we eat fruit also and flower also. ठीक है? Now, fenugreek. For fenugreek we eat leaves and seed. And mustard के लिए we eat seed and leaves. Seed and leaves we eat for mustard. Fine. Now, there, अभी देखो हमने क्या देखा कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट जिसको हम खाते हैं नाउ नाउ इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोटिस दैट हमारे आसपास जो सारे प्लांट होते हैं ऐसा नहीं है कि हम सभी को खाते हैं है ना ऑल द पार्ट प्लांट्स अराउंड अस आर नॉट एडिबल ऑल सारे जो होते हैं वो एडिबल नहीं होते हैं सम ऑफ द प्लांट आर इवन पॉइजनस एंड हेंस नॉट फिट फॉर द ईटिंग So, some of the plants are poisonous some of the plants are poisonous and hence not fit for eating They are not fit for eating. ठीक है? तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि some plants have two or more edible part. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनके एक, दो या दो से अधिक parts जो होते हैं वो edible होते हैं. We eat. Which can be eaten as food? ठीक है? For example. अब बनाना का एग्जाम्पल लिया बनाना का वी ईट फ्रूट ऑल्सो आपको पता है केला हम सब खाते हैं फ्रूट ऑल्सो एंड फ्लावर ऑल्सो बनाना का जो फ्लावर होता है उसको हमारे कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में लोग यूज करते हैं फॉर फूड मटेरियल ठीक है ना
बनाना हो गया। नेक्स्ट इज फेनुग्रीक, फेनुग्रीक इज मेथी। अब मेथी को भी हम खाते हैं एज लीव्स, मेथी के पत्ते या मेथी की साग हम खाते हैं, और मेथी के जो दाने होते हैं वो भी मम्मा क्या करती है, कभी मम्मा कोई वेजिटेबल बनाती हैं या कुछ कलौंजी वगैरह बनाते हैं तो उसमें मम्मा डालते हैं। आप एक बार देखिएगा किचन में मेथी। मस्टर्ड, मस्टर्ड आपको पता है, मस्टर्ड की हम सीड भी खाते हैं। सीड को कैसे खाते हैं, ऑयल के फॉर्म में। सीड को हम मस्टर्ड की ऑयल के फॉर्म में खाते हैं। एंड हम उसकी लीव्स, सरसों का साग हम खाते हैं, ठीक है। सरसों का व्हाट वी ईट सरसों का साग ऑल्सो, फाइन। सो नोट इट डाउन, देन वी विल मूव अहेड। ओके, तो कैन आई रेज द बोर्ड नाउ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अभी हमने बात की सीड के बारे में, सीड्स के बारे में बात की। फिर हमने कुछ ऐसे प्लांट्स की बात की जिनको हम क्या कहते हैं, जिनके हम मोर देन टू पार्ट्स को खाते हैं। और फिर हमने कुछ ऐसे भी प्लांट्स की बात की जो कि पॉइजनस होते हैं या नॉट फिट फॉर ईटिंग होते हैं, उनके हम किसी भी पार्ट को नहीं खाते हैं। नाउ क्लास, अच्छा कभी आपने देखा होगा जब मम्मी किसी बॉल में क्या करती हैं, ऐसा मम्मी किसी बॉल में चना या कुछ ऐसे पानी में मम्मी चना वगैरह डाल के रखती हैं, चना या मटर या बॉल ग्राम या एनीथिंग लाइक दैट मम्मी डाल के रखते हैं, ठीक है। मम्मा ने उसको सोक कर दिया, फिर मम्मा ने उसे निकाला, फिर इसे निकाला गया और इसे ऐसे ही किसी भींगे कपड़े में बांध के रख दिया। अब कुछ दिन बाद देखोगे तो ये जो दाने होते हैं, मटर के दाने या चने के दाने, राजमा और एनीथिंग, इसमें से कुछ ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर निकला होता है। ध्यान दिया है कभी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसमें से निकला होता है। क्या होता है ये स्ट्रक्चर, व्हाट डू वी कॉल दिस स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, राइट। मूंग का देखोगे तो मूंग की दाल का भी लोग निकालते हैं, सो वी कॉल इट स्प्राउट्स। स्प्राउट्स, दे आर व्हाट, स्प्राउट्स, ठीक है। सो व्हाट आर द स्प्राउट्स, when the seed begin to grow for germination by developing the root, tiny root, they are called the sprout. तो देखो ये tiny tiny सी root निकल रही है, ठीक है, ये छोटी छोटी सी root निकल रही है, and what do we call them sprouts, हम इसे क्या कहते हैं, we call them sprout. तो kids, अभी जो हमारी अब कल की क्लास होगी, कल की क्लास we will begin with sprouts only, ठीक है, खाके नहीं। कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद स्प्राउट्स। कल हम पहले स्प्राउट्स को समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। सो क्लास, दिस इज इट फॉर टुडे, एंड नाउ मैम विल मीट यू टुमारो।